सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के पंजीकरण की प्रक्रिया की आसान। MSME के पंजीकरण के लिए सिर्फ पैन और आधार की जरूरत। आई एम ग्लैड टू डिक्लेयर इन दिस फोरम दैट वी हैव नाउ डिसाइडेड फॉर MSME रजिस्ट्रेशन देयर विल ओनली टू थिंग्स विल बी देयर, पैन कार्ड एंड सेकंड इज द आधार नंबर। सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरलीकरण की घोषणा की। उन्होंने MSME स्ट्रीट गेम चेंजर्स फोरम के एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि अब MSME के पंजीकरण के लिए केवल पैन और आधार की आवश्यकता होगी। मंत्री ने कहा कि पंजीकृत होने के बाद MSME इकाई को प्राथमिकता मिलेगी और साथ ही उसे वित्त मदद भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि उद्यमिता और अन्य संबंधित पहलुओं के क्षेत्र में छोटी इकाइयों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। उन्होंने MSME मंत्रालय के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया और ये भी आशा व्यक्त की कि बैंक और NBFC भी छोटे व्यवसायों को पूर्ण समर्थन प्रदान करेंगे। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के महत्व पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि MSME उद्यमिता को बढ़ावा देने और बड़े रोजगार के अवसर पैदा करके देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। श्री गडकरी ने कहा कि भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने के उद्देश्य से MSME का उद्देश्य MSME के लिए $5 trillion की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को बढ़ाने के लिए एक मददगार माहौल तैयार करना है। To boost the economic activities of MSME, the government has announced a special economic package that is Atmanirbhar Bharat Abhiyan of 20 lakh crores. उन्होंने कहा कि MSME की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष प्रोत्साहन पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।